अपना पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे दर्शकों का मैं सोनिया स्वागत कर दिया। खबरां दी शुरुआत कर दिया। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के ओरलैंडो विच कंजरवेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस 2021 विच मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन दी नीतियां दी तिखी आलोचना की है। ट्रंप ने राष्ट्रपति अहुदा छड़न तो बाद पहली बार किसी वड्डी जनतक सभा विच शामिल होंदे हुए बीते दिन कहा है कि आधुनिक इतिहास दे किसी भी राष्ट्रपति दे पहले महीने दे कार्यकाल दी तुलना विच जो बाइडन सब तो विनाशकारी ने। उन्होंने विशेष तौर पर अमरीका विच उभरदे सरहदी संकट वाल इशारा करते हुए बाइडन की इमीग्रेशन नीति की आलोचना की और इसनों अमरीका की प्रमुख कदरां कीमतों के नाल विश्वासघात करार दिता है। उन्होंने कहा कि पहला ही बाइडन प्रशासन ने यह साबित कर दिता है कि वह नौकरी विरोधी, परिवार विरोधी, सरहदा विरोधी, ऊर्जा विरोधी, महिलावां विरोधी अते विज्ञान विरोधी ने। इस तो इलावा ट्रंप ने कहा है कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति अहुदे दी चोणा लड़ सकते ने। ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन अमरीकी कानूनों नू लागू करन वाले मुख कार्यकारी दे तौर ते अपने फर्जा नू पूरा करन विच असफल रहे ने। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर चोणा विच कपलेबाजी वाल इशारा किया। उधर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल च कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगवा के कई विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं एम्स कोविड 19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। जिक्रयोग है कि किवें साडे डॉक्टरों ते विज्ञानियों ने कोरोना महामारी खिलाफ आलमी लड़ाई नू मजबूत करन लई काम कीता है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्होंने सारियां नू अपील करदा हां जिहड़े वैक्सीन लैण दे योग ने ओह इस नू जरूर लैण। आओ असीं सारे मिल के भारत नू कोविड 19 मुक्त बनाईए। पीएम मोदी ने भारत बायोटेक दी कोवैक्सीन वैक्सीन लगवाई है। दस दईए कि कोवैक्सीन नां दे टीके नूं भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान खोज परिषद ते राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था नाल मिलके विकसित कीता है। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। आम आदमी पार्टी ने आज साइकिल रैली की, इसलिए पूरा इजलास हंगामा भरपूर रहने वाला है। पंजाब विधानसभा के 14वें इजलास की शुरुआत 11 बजे राज्यपाल के भाषण नाल हुई। बाद दोपहर सदन वालों सियासी ते होर उभरियां हस्तियां आजादी घुलाटियां समेत विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि दी जाएगी। 2022 विच पंजाब च विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र पंजाब सरकार वल्लों इस इजलास च नवें ऐलान ते पिछले वादियां दी पूर्ति करन दे फैसले वेखण नूं मिल सकदे ने। इजलास च मुख ध्यान खेतीबाड़ी ते रहण दी संभावना है। मुख विरोधी धिर आम आदमी पार्टी दे आगू हरपाल सिंह चीमा ने आख्या है कि इजलास दौरान कांग्रेस सरकार दीआं नाकामियां ते सवाल उठाए जाणगे ते माफिया दे मुद्दे ते हाकम धिर नूं घेरिया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल अज पंजाब विधानसभा का घिराओ करेगा। पंजाब भर चो अकाली वर्कर पहला चंडीगढ़ इकट्ठे होणगे ते मगरों विधानसभा वाल कूच करनगे। अकाली दल दे जनरल सकत्तर ते बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने दस्सिया है कि सुती सरकार नूं जगाउण लई घिराओ कीता जाएगा। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਐਨਆਰਆਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +1 929 338 8833 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देश दुनिया की हर खबर से नज़र रखने के लिए हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़ने के लिए लॉग इन करो साडी वैबसाइट से www.apnapunjabmedia.com ते इसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकते हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट से।